एक बार 12 तुगलक रोड में बगुना जी भी जब पार्टी में आ गए थे तो 12 तुगलक रोड में चौधरी साहब के साथ हेमवती नंदन बगुना, नेताजी और मैं बैठा हुआ था। तो बगुना जी ने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब जानते हो कि बीजेपी के कार्यकर्ता में और आपके कार्यकर्ताओं में क्या फ़र्क है? उनकी तुम ही बताओ क्या फ़र्क। बोले फ़र्क ये है कि बीजेपी का कार्य हमारा कार्यकर्ता जब जाएगा बाजार में भेजो 10 रुपया लेके या 50 रुपया लेके तो 10 रुपये के सामान लेके आ पाएगा, और बीजेपी का कार्यकर्ता 10 रुपया का सामान लेके देखो भेजो तो 50 रुपये का सामान ले आएगा। तो बीजेपी की अगर ये लोग होते यहाँ तो कोई कुर्सी खाली नहीं होती, उसके पीछे तक भरा होता है, पीछे तक। इनको बार बार समझाया गया है, ये कल लिखेंगे प्रेस वाले, कुर्सियाँ खाली पड़े थी और जितनी कुर्सियाँ हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और इनका उत्साह का मैं आपको एक और बताऊँ, बुरा मत मानना, इधर खड़े हुए लोग, ये जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए। मैं सब पूछ रही आप किसी को भी, ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए यहाँ डिस्टर्बेंस करते हैं, पीछे सब कुर्सियाँ खाली, उन पर कोई बैठेंगे नहीं और मुंह दिखा देंगे आए थे यहाँ और जाएंगे। एक वोट नहीं पूछ रही है इनमें, एक वोट बढ़ाने का काम नहीं होगा, आदेश यादव का खुद का वोट नहीं होगा। लेकिन बात बहुत लंबी चौड़ी करेंगे इधर खड़े के, किसी भले आदमी को अखिलेश के पास नहीं जाने देंगे, आगे अभी घेर लेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो इनकी जो गाड़ी है वो पिचक जाएगी। ऐसा काम करते हैं। नेताजी ने कहाँ से शुरू किया था? 67 का पहला चुनाव जब लड़े तो मैंने उसी साल BSc किया था, तो नेताजी ने कहा कि ऐसा करो MSc में दाखिला मार लो, हम चुनाव लड़ेंगे, उस अगली साल ले लेना। तो मैं नहीं लिया दाखिला, हम लोग लें। हमें जैन कॉलेज में असिस्टेंट टीचर बनवा दिया गुरुजी, जानते हैं, वहाँ से साइकिल से जाते थे, 10 लड़के और जाते थे। और कोई ऐसा गांव जसवंत नगर क्षेत्र का नहीं है, खासतौर से बसरेहर ब्लॉक का, तब ये ब्लॉक दो ही थी, जसवंत नगर और बसरेहर, जिसके घर घर में हम लोग न गए हों। कोई जीप नहीं थी, कुछ नहीं, केवल साइकिल से गए, चुनाव के वक्त भी कुछ नहीं था, साइकिल से गए, चुनाव जीते। 69 में भी कोई गाड़ियां नहीं थी, 74 में एक आध जीप आ गई, उससे नेता ही चलते थे, और लोग कुछ लोग गांव के लोग ट्रैक्टर से ही चले जाते थे, मोटरसाइकिल से गए बाद में। तो इस यहाँ से शुरू किया था कोई। अब तो यह है कि अगर 4 पोलिंग का सेक्टर बना दो उसके लिए गाड़ी चाहिए। आप बताइए, एक गाड़ी से एक सेक्टर को 10 बार आप कवर कर सकते हो, तब भी घर घर नहीं जाते, और 100-100 गाड़ियाँ चलती हैं। तो कोई जो आप में से जो अच्छा कार्यकर्ता है, जो बढ़िया कार्यकर्ता है, जो संघर्ष करने वाला है, वो इस पे, और गरीब है, क्या चुनाव लड़ सकता है? कभी नहीं लड़ सकता है। तो ये ख़त्म कीजिए संस्कृति। मैंने एक बार, रामसेवक यादव MP थे बाराबंकी से, तब मैं 6th में पढ़ता था, 57 में सोशलिस्ट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तो बाद में बनी, पहले सोशलिस्ट पार्टी थी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, हम लोग सोशलिस्ट में थे, हालांकि मेंबर साहब लगते थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थे, जसवंत नगर में सोशलिस्ट और करहल में प्रजा सोशलिस्ट, यहाँ बरगद वहाँ झोपड़ी होती थी हम लोग। तो उनसे हमने ऐसे ही पूछा, गेहूं लेने आए थे, फसल होती तो गेहूं चंदा करके लेते थे, उससे पार्टी जिले में चलती थी बेच के साल भर, ये स्थिति थी। तो हमने कहा आपके चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? उन्होंने कहा 7-8 हज़ार रुपया खर्च हुआ। और बोले कि जे MLA हमारा बैठा है, ये दबाई था, जन क्या नाम था, इसके केवल 250 रुपया जो फीस लगती है सो। तो हम लोगों ने पूछा कि कैसे आप इतने कम से कैसे होते हैं? बोले पैसे के बल पर हम कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते, अगर पैसे से करेंगे आप, BJP से कंपेयर करेंगे तो आप मुकाबला कर लेंगे, सारे देश का पैसा उनके पास, सारा उद्योगपति उनके पास, जो उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, अरबों रुपया ट्रकों में भर के चला आएगा केवल एक क्षेत्र में हराने के लिए, हम मुकाबला नहीं कर सकते।
हम केवल कार्यकर्ताओं की दम पर, कार्यकर्ताओं के बल पर मदद कर सकते हैं, जीत सकते हैं चुनाव, बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन ये मत देखो बीजेपी के साथ कार्यकर्ता के, हम ये कहते हैं बीजेपी की 100 गाड़ियां चल रही, हमारे उम्मीदवार के साथ 10 गाड़ियां भी नहीं। हमने तो साइकिल भी चला के देखा है, एक गाड़ी से भी चुनाव लड़के देखा है। पूरे राम सिंह साहब नेताजी ने क्या क्या नहीं किया। नेताजी ने जब 79 में चुनाव हुआ 79, तो इटावा से राम सिंह साहब को उम्मीदवार बनाया, तो यहाँ लोग मालूम क्या कहते थे, अरे इटावा जो विरोधी थे, यहाँ से सब्जी बेचने वाला एमपी हो जाएगा, यहाँ तो ब्राह्मण ठाकुर ही होते रहे हमेशा। तो नेताजी ने कहा कि हम देखते हैं कौन होगा। तो राम सिंह साक ने अर्जुन सिंह भदौरिया और सुखदा मिश्रा को बुरी तरह चुनाव हरा दिया, वो चुनाव जीत गए। लोगों में ये विश्वास पैदा किया मुलायम सिंह जी ने कि आप हीनता की भावना छोड़िए, आप संख्या के बल पर किसी को भी हरा सकते हैं, आप ज़्यादा ताकतवर हैं, बनाया इन्होंने। फूलन देवी को जेल से निकाल के एमपी बना दिया दो दो बार, अगर हत्या न हो गई होती तो आगे भी एमपी होती वो, कोई सोच सकता था। गरीबों पिछड़ों की जो अति पिछड़ों की बात करने लगी बीजेपी, सारे अधिकार छीन लिए, सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया, सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, और रही बची आउटसोर्सिंग से कोई रिजर्वेशन नहीं, अब काय का मंडल रह गया। जब नौकरी नहीं, एक भी रिजर्वेशन नहीं, दलित और पिछड़ों के लड़के कुछ आईएएस आईपीएस और अधिकारी हो जाते थे वो वरना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब वो सीधे वहाँ भी करने लगे, सीधे 10 जॉइंट सेक्रेटरी पिछली 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ से जो प्रमुख सचिव जाता है वो बनता है प्रमुख सचिव, इतना सीनियर आईएएस अफसर, सबसे कठिन जो होती है परीक्षा उसको पास करके लंबी सर्विस के बाद दिल्ली में एम्पैनलमेंट होता है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने 10 जॉइंट सेक्रेटरी बना दिए विभिन्न उद्योगपतियों के, यहाँ जो काम करते थे क्लर्क लोग, जे बहुत अनुभवी आप समझ, और इसमें एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी माइनॉरिटी का नहीं, तो इस तरह की सरकार है। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। खाना मिल जाता शाम को तो हम गाय को भी सानी दे आते, कोई होता है अधिकार? जिस घर में कोई लड़का नौकरी नहीं करता है उसका घर टूटा फूटा पड़ा रहता है। नेताजी कहते थे कि सिपाही बना दो तो देखिए 2 साल में उसका घर पक्का हो जाता है, लेकिन अब वो भी सब खत्म हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट है, नेताजी ने जो काम शुरू किया था उसको आखिर तक ले जाना है, अगर देश की और गरीब पिछड़े लोगों की किस्मत को संभालना है। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात कहते हैं, ये मुझसे ज़्यादा अंदर की बात कोई जानता नहीं, क्योंकि जिस दिन फैसला होने वाला था प्रधानमंत्री का, सारी रात आंध्र प्रदेश भवन में मीटिंग चली, नेताजी नहीं गए तो मैं ही वहाँ था। सवेरे 4 बजे सुरजीत साहब ने कहा कि 90% एमपी मुलायम सिंह के पक्ष में हैं, फाइनल हो गया है, सुबह नायडू राष्ट्रपति को लिख के दे आएंगे कि यूनाइटेड फ्रंट के लीडर मुलायम सिंह यादव होंगे और अगले दिन उनकी शपथ हो जाएगी प्रधानमंत्री। फिर ऐसी पर्दे के पीछे तिकड़म चली कि सुरजीत रूस चले गए। मैंने कहा आप कल चले जाओ, नहीं वो वहाँ जाना ज़रूरी है। अब नंदा जी के सामने नहीं बताऊंगा और इसलिए भी नहीं कहूंगा कि अब लोग दुनिया में नहीं हैं। अगर सुरजीत न गए होते लखनऊ, वो दिल्ली मॉस्को, तो नेताजी ही प्रधानमंत्री होते। जो साजिश में लोग शामिल थे उन्होंने नाम चला दिया कि साहब वो कह रहा है लालू और शरद कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर मुलायम सिंह बना दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो उन्हें टूल बनाया गया। हाँ विरोध में थे वो, वो जानते थे कि मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सबसे बड़े नेता होंगे, सबसे बड़े नेता तो उनके न चाहने के बाद भी रहे। किसी का कद मुलायम सिंह के बराबर नहीं था, किसी का। और आपने देखा होगा उनकी मौत के बाद
किसी नेता के लिए इस तरह की भीड़ न हुई, न विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट, सारी पार्टियों के शीर्षस्थ नेता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जितने राज्य थे वहाँ से लेके तमिलनाडु तक के सारे सीएम से यहाँ थे। मुश्किल था उनको पहुँचाना वहाँ तक। केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री हों, अन्य मंत्री हों, सब हों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और लोग हों, फिल्म जगत के लोग हों, प्रोफेसर्स हों, पत्रकार हों, विद्वान हों, सबके सब यहाँ थे, सब आए यहाँ, तो बहुत बड़ा कद था। लेकिन साजिश बहुत लोगों की थी, हम जानते, वो ये जानते थे कि मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री बन गए तो समाजवादियों में समाजवादी मार्क्सिस्ट भी हैं। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष बने तो लीडरशिप उनके हाथ में होनी चाहिए, समाजवादियों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, साजिश सबसे बड़ी वहीं से थी कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री न बनने पाए। तब एक आदमी जिसको वो समझते थे कि कम्युनिस्ट लीनिंग का है, प्रधानमंत्री बना दिया इंद्र कुमार गुजराल। दिस वाज द रियल थिंग जो आज मैं बता रहा हूँ आप, कि मैं उन सारे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह मैं हूँ सबका। तो इसलिए नहीं बन पाए। और इसलिए कई बार जब आप नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा लगाते थे तो एक बार उन्होंने गुस्से में हमसे कहा कि 5 और 10 MP बनाएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केवल 5 और 10 MP बना के प्रधानमंत्री बना लेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 MP जीतती है तो हम कह भी सकते हैं कि बिना या तो इन्हें बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनेगा। बताओ, बनाओगे?